क्लास 12 असाइनमेंट नंबर 4 दिसंबर मंथ का आपका ये असाइनमेंट है, जो आपको दिसंबर में क्लासेस दिए गए हैं उनके बेस पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करके आपको ये सबमिट करना है। ठीक है, तो इसके आपके मार्क्स लगेंगे। और जो आपका केमिस्ट्री का असाइनमेंट है, रासायनिक शास्त्र, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जो नीट या जेई की तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन देना चाहता है, तो उसको अगर फ्री कोचिंग चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम पर, उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा कि आई वॉन्ट एनरोल। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फ्री कोचिंग के लिए, वो आप मुझे मैसेज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन उसके रिलेटेड डले, जब भी कि क्लासेस कब से होने वाली है, तो आपको पता लग जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका कोई चार्जेस नहीं होगा, वो फ्री स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका असाइनमेंट। ठीक है, फुल आपको इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो आप लोग इससे इजीली अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो, आपको समझाने के साथ साथ। इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड किया गया है, जिस स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में चाहिए उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका देवा। मिस धातु क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, बे में पूछा है जिंक, कैडमियम एंड के लवण प्राय रंगहीन होते हैं, क्यों। ठीक है, तो आप इसमें उत्तर लिखोगे, देखो उत्तर नंबर ए, पहले ए का लिखेंगे। ठीक है, ए का लेते हैं। नाइट के मिस धातुओं को मिस धातु कहते हैं, जिसके मुख्य अवयव हैं। ठीक है, यह आप आयरन वगैरह सब लिखोगे। ठीक है, फिर आपका उत्तर, फिर आप दोबारा लिखोगे उत्तर। ठीक है, यहाँ तक लेकर तो आपका ए में क्या पूछा था। ठीक है, ए आपका ये कंप्लीट हो गया, और बे आपका ये रहा, ये वाला नीचे वाला आपका बे है। ठीक है, ये वाला जो मैं आप जूम कर रहा हूँ, ये आपका बे का आंसर है, और बोला ए का आंसर था। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, देखो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आप नोट डाउन करोगे पहले ए। ठीक है, ए नोट डाउन करके आप ए का आंसर लिख लीजिए यहाँ से, फिर बे डाउनलोड करके आप बे का आंसर लिख सकते हो। बे पहले मतलब आप लिख लीजिए नोटबुक में, ठीक है, फिर आप इसका बैक आंसर लिख लीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका है ए। ठीक, पहले हम ए का करेंगे, ए इसमें क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, फिर आप इसमें आंसर लिखोगे। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिए गए हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4s। ठीक है, तो ऐसे ही कोश का विन्यास करेंगे, फिर स्पष्ट है। ठीक है, आप यहाँ करके चुंबकीय होता है। ठीक है, फिर इसमें बै करेंगे, लेथेनाइट सुगुचन क्या है। ठीक है, ये उसी का क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे इतनी। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। संयोजक बंध सिद्धांत VBD आधार पर निकिल कैडमियम 4 की संरचना समझाइए। ये आपका वही क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला। ठीक है, उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आंसर पूरा। ठीक है, ये सब आपका आंसर ही चल रहा है अभी। आपको पूरा ऐसे करके लिखना पड़ेगा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो, एग्ज़ाम में भी अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर फोर का ए करेंगे, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा गुणांक उच्च होते हैं, क्यों। ठीक है, इसका ए का आंसर ये वाला है आपका, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा गुणांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संवेदना कोश एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन द्वारा द्विध्रुवीय बंध तथा एन बन डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन साझे संयोजी बंध के दो प्रकार बंध बनते हैं, जिससे चालक ऊर्जा अति उच्च होती है। ठीक है, आपका आंसर हो गया ये ए का। फिर आ जाते हैं बे पे। ठीक है, बे का ये रहा आपका। ठीक है, बैक आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, ये रहा संक्रमण तत्व अच्छे उस पर क्यों होते हैं समझाइए, इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, सबसे पहले आप शुरू के 2 लिख लीजिए, ये उतार के शुरू के 2 नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नीचे करूँगा, आप नीचे का नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप फिर 3rd नोट डाउन कर लीजिए, आपका पूरा हो गया प्रश्न नंबर 4 कम्प्लीट। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी ऐड कर लीजिए उदाहरण के लिए, एक उदाहरण बै में ऐड करना है आपको ये वाला। ठीक है, बैक का उदाहरण ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं 5 में। 5 में आपका दिया है, अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के
विपाटन का आरेख बनाइए। ठीक है, आप देख सकते हो उत्तर अल्ट फल्कनीय क्रिस्टल क्षेत्र में कक्षकों के विपाटन को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आपका ये आंसर। अब इसका बी, उसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो आप बे में आपका फर्स्ट का ये हो गया IUPAC नाम पोटेशियम। ठीक है, फिर आपका सेकंड का ये हो गया। ठीक है, तो आपका बे भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, और ए आपने ऊपर कर ही लिया था, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका, तो आपकी पूरी PDF कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं एक बार और फिर से स्लोली स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसका कुछ अगर छोटा हो तो वो अपने कंप्लीट कर देना। ठीक है, देखो असाइनमेंट नंबर 4 क्लास 12 विषय रासायनिक शास्त्र क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, कुछ छोटा हो तो देख लीजिए, ऐसे ही आंसर ए का। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका आंसर है। फिर आप नोट डाउन कीजिए बे, बे का ये रहा आपका आंसर, ये रहा ZN से। ठीक है, CDZN, ये आपका बैक आंसर है। ठीक है, ऐसे कंप्लीट हो गया। आपका प्रश्न नंबर 2 में देखोगे, प्रश्न नंबर 2 का ए है ये, ए आपको ऐसे नोट डाउन करना है पूरा। ठीक है, ऐसे ही आपका बे आ गया, बे में आप ये लिखोगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका संयोजकता बंध। ठीक है, ये आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 में ए करोगे आप पहले। ठीक है, संतुलित तत्वों के गलनांक। ठीक है, फिर उसका बे नोट डाउन करोगे, बे ये रहा। ठीक है, इसके 4-3 पॉइंट है, और लास्ट में आपको उदाहरण ये लिखना है। ठीक है, आपका बे भी इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ए लिखोगे, ठीक है, ए का ये पूरा नोट डाउन करोगे, फिर ऐसे बे लिखोगे IUPAC नाम, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो फाइनली आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे मैसेज जरूर करना या फिर कमेंट करना, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ इसका। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्री कोचिंग स्टार्ट होएगी हमारे चैनल पे, तो आप लोग मुझे नीचे इंस्टाग्राम में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इंस्टाग्राम का, उस पर ओपन करके आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो आप लोगों को मैं बता दूंगा क्लासेस कब से स्टार्ट है। ठीक है, मतलब आपको उस पर एक्टिव रहना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, तभी आपको पता लग पाएगा फ्री कोचिंग के बारे में। ठीक है, और वो सभी स्टूडेंट को नहीं दी जाएगी, जो मुझे मैसेज करेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन CG बोर्ड के रिलेटेड क्लास 12 के साइंस साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी, वो लोग आपको पता लग पाए। ठीक है, मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, तो आप लोग अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ये बहुत बेनिफिट है कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है मेरे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।